हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग सब? सुबह के 10 बजने वाले हैं और मैं एक वीडियो शूट करने जा रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये जो अभी आप मेरा मेकअप देख रहे हैं, अगर आपको ये मेकअप पसंद आया और ये मेकअप लुक आप क्रिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट डाउन करके पूछिएगा। मैं आपको ये मेकअप मैंने कौन से प्रोडक्ट के साथ लगाया है, क्रिएट किया है, और ये वाइवेशियस और ग्लिटरी आइज मैंने कैसे क्रिएट की है, इसके बारे में मैं आपको पूरा विस्तार में वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो अगर इन दिनों लोगों को ड्यूई मेकअप और चिप चिप बिल्कुल पसंद, लोग चाहते हैं कि पिंपल ना निकले, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन जिनकी है वो चाहते हैं मेरा लुक जो है थोड़ा सा मैट लगे, तो वो मैट लुक कैसे क्रिएट होगा? आप चाहे कितना भी क्रीम लगा लीजिए, नॉर्मल पॉन्ड्स कोई भी पाउडर लगा लीजिए, वाइट ग्लो पाउडर कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन जैसे ही आप धूप में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो आपने अगर कुछ भी मेकअप किया तो वो मेकअप बहने लगता है, मेल्ट होने लगता है। तो वो मेकअप अगर आप चाहते हैं कि वो HD रहे, वो लंबे समय तक टिका रहे और वो मेल्ट भी ना अपनी जगह से और पैची पैची धब्बे भी ना पड़े, तो आपको क्या लगाना चाहिए कि आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, स्पेशली फॉर कॉम्बिनेशन स्किन टाइप एंड ऑयली स्किन टाइप? तो आई सजेस्ट यू अ प्रोडक्ट विच इज नेम्ड एज टू यूज HD लूज पाउडर। हाँ जी हाँ, आपने सही सुना, उसका नाम है HD लूज पाउडर। जो लोग जैसे पार्टी वगैरह में जाने शादी में, तो वो फाउंडेशन लगाते ही हम, तो घर में डेली यूज में कोई फाउंडेशन लगाता, आप ज्यादा से ज्यादा बीबी क्रीम लगाते होंगे या फेयर एंड लवली लगाते होंगे, उससे ज्यादा कोई लगाता नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है, आप जब कोई पार्टी में जाएंगे, शादी में जाएंगे, फंक्शन में जाएंगे, तो जो लोग फाउंडेशन थोड़ा पसंद करते हैं वो लगाते हैं। तो फाउंडेशन जब लगाते हैं तो थोड़ी देर बाद ही आपको लगता है कि 4-5 घंटे बाद ही मेरी स्किन जो है वो, जो मेरा स्किन टोन है उससे मेरा रंग जो है वो थोड़ा काला लगने लग गया। वो क्यों होता है? क्योंकि हमने जो फाउंडेशन लगाया वो चाहे आप कितने भी अच्छी कंपनी का लगा लीजिए, आप लैक्मी का लगा लीजिए, मेबलिन का लगा लीजिए, फोटो फोकस वाला लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन वो जो मेकअप होता है, वो जो फाउंडेशन है, वो ऑक्सीडाइज होने लगता है। जैसे कि आप चांदी की ज्वेलरी पहनते हैं, उसे पहन के आप रोज नहाते धोते हैं, तो आप देखेंगे 2-4 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के अंदर, वो जो ज्वेलरी है, आपकी जो चांदी की चेन है या पायल है, वो जगह से काली होने लग जाती है और आपके स्किन में, आपके गले में, आपके पैर में भी काला काला निशान होने लग जाता है। तो वो क्या होता है, उसे ऑक्सीडाइजेशन कहते हैं, वो ऑक्सीडाइज होने लग जाती है। सेम उस तरीके से जब हम फाउंडेशन लगाते हैं, बीबी क्रीम लगाते हैं, तो कुछ घंटे के बाद जब हम धूप के कॉन्टेक्ट में आते हैं, गर्मी लगती है, हमारा परस्पिरेशन होता है, स्वेट होता है, तो हमारा जो स्किन है वो ऑक्सीडाइज होने लगता है। तो उस ऑक्सीडाइजेशन को हमें अगर अपने स्किन से हटाना है, हम चाहते हैं कि हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो हमें लूज पाउडर यूज करना चाहिए। तो मैं आज आपको अपना फेवरेट लूज पाउडर के बारे में रिव्यू देने जा रही हूँ और उसका डेमो करके दिखाऊंगी कि आपको वो कैसा लगता है और आप उसे बेनिफिट लीजिए और आप भी वो लूज पाउडर जो है वो खरीदे। मैं आपको अपने स्किन टाइप की, मेरी जो स्किन है वो ऑयली है, तो उसके हिसाब से मैंने जो यूज किया है वो मैं आपको बताऊंगी। बाकी आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है, आपकी स्किन टाइप, स्किन टेक्सचर, स्किन टोन के ऊपर है, आपको जो भी अच्छा लगे, जो आपके चेहरे के ऊपर सूट करे, आप वो खरीद सकते हैं बिना किसी झिझक के। तो आइए मैं अपने लूज पाउडर के बारे में आपको बताती हूँ। तो मैंने जो लूज पाउडर खरीदा था, उसको खरीदे हुए मुझे 6 महीने हो गए और ये मैंने अमेजोन से लिया था और ये मेरे स्किन के साथ बिल्कुल अच्छे से जाता है। इसका नाम है कलर एसेंस का हाई डेफिनेशन HD पाउडर और इसका शेड है आइवरी, क्लासिक आइवरी। जो लोग फेयर स्किन टोन के हैं या मीडियम स्किन टोन के हैं, उनके लिए आइवरी शेड सही रहेगा। और अगर आप थोड़े डस्की कॉम्प्लेक्शन के हैं या डार्क कॉम्प्लेक्शन के, तो उसके लिए आपको बनाना पाउडर, याद रखिएगा बनाना पाउडर वाले HD के लूज पाउडर भी मार्केट में अवेलेबल है। आप वो थोड़ा सा येल्लो टिंट देता है, जो बहुत ही अच्छे से डार्क स्किन टोन और डस्की स्किन टोन के ऊपर अच्छे से मैच हो जाता है। तो मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ, इसका प्राइस जो है वो 450 रुपये, जी हाँ आपने सही सुना, 450 रुपीज का है। और आपको अभी ये ऑफ चल रहा है तो ये 400-450 रुपये में मिल जाएगा। मुझे इसमें कोई ऑफ नहीं मिला था तो मैंने ये 450 रुपये का खरीदा था। इसकी जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है वो है 10 ग्राम, जी हाँ 10 ग्राम से, पर ये आराम से आपका 6 महीना 1 साल चलेगा। अभी लॉकडाउन मार्च से लगा तो मैं किसी पार्टी या शादी में नहीं गई हूँ, तो ये मैंने ज्यादा यूज नहीं किया, इसलिए अभी नया ही है। शायद मैंने 2-3 बार यूज किया, इससे ज्यादा मैंने इसे यूज नहीं किया, क्योंकि घर में कोई फाउंडेशन लगाता नहीं। हम शादी ब्याह में जाते हैं तभी फाउंडेशन लगाते हैं। अभी मैंने घर में सिर्फ नॉर्मल क्रीम लगा के रखा है, फेयर एंड लवली, और कुछ लगाया नहीं। लेकिन मैं क्योंकि इसका रिव्यू और डेमो करने जा रही हूँ, तो मैं आपको इसको लगा के दिखाऊंगी।
इसके बारे में क्या लिखा गया, हाई डेफिनेशन फेस पाउडर जो आप कॉम्पैक्ट वगैरह लगाते हैं लैक्मे का, मेबलिन का, ये बिल्कुल उसी तरीके से ये कॉम्पैक्ट की जगह ये पाउडर फॉर्म में मिलता है, लूज पाउडर में है। इसमें इस एक ब्रश मिलता है, आप चाहे तो इससे भी लगा सकते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट ब्रश है, और आप चाहे तो अपने ब्यूटी ब्लेंडर से लगा सकते हैं या तो अपने मेकअप पाउडर ब्रश के साथ। तो इसके बारे में है, इट विल रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ एज स्पॉट। जो लोगों की थोड़ी उम्र 30 के ऊपर इंसान होते हैं तो उनके यहाँ पे फाइन लाइंस हो जाते हैं, यहाँ पे हो जाते हैं, हंसते हैं तो यहाँ लाइंस दिखते हैं, यहाँ दिखते हैं, यहाँ पे ऐसे लाइंस बन जाते हैं जो 30 के ऊपर 40 के ऊपर लोग हो जाते हैं। तो आप इसे अगर अपने स्किन के ऊपर अच्छे से आप कंबाइन कर लेंगे, अच्छे से आप ब्लेंड आउट कर लेंगे, तो जो एज स्पॉट्स है वो भी आपके स्किन से ये ब्लर आउट करेगा, फेड आउट करेगा, आपको एज स्पॉट्स नहीं दिखेंगे। स्किन डिस्कलेशन, किसी के लोगों का यहाँ का अलग होता है, यहाँ का कलर अलग होता है, यहाँ का अलग होता है, इस जगह का कलर अलग होता है, तो जब ऐसे लगाएंगे डिस्कलरेशन भी हटाएगा, फाइन लाइन झुर्रियां भी दिखना हटाता है। जो कंसीलर का काम होता है ये पाउडर फॉर्म में गर्मियों में वही करता है, आपके चेहरे में जो मोटे मोटे पिंपल हो जाते हैं ऑयली स्किन वालों के लिए, झाइयां हो जाती हैं, जो काले काले धब्बे दिखते हैं वो सभी हटाता है, और आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल बच्चों की तरह, छोटे बच्चे जो 2 साल का या 6 महीने का बच्चा है उसकी तरह स्मूथ, सिल्की और स्मूथ और बिल्कुल फ्लॉलेस, बिना किसी दाग धब्बे के बिल्कुल फ्लॉलेस दिखाएगा थ्रू आउट द डे। जिनकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है वो 1-2 बार टचअप दे सके, और जिनकी नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन है उन्हें ऐसे टचअप देने की जरूरत ही नहीं है, इतना स्मूथ और पाउडर है। तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगी और इसका स्वॉच और डेमो करके दिखाऊंगी। ये देखिए ये इस तरीके से खुल जाता है, और इसके अंदर एक चिब्बी है, इस चिब्बी को आप ऐसे करके जिसे ढक्कन कह सकते हैं उससे ये खुल जाता है। तो इसके अंदर कुछ 6-7 छेद हैं, होल्स हैं, इसमें से आप इसको एक्सेस निकालेंगे तो ये कुछ निकल आएगा। तो इसका स्वॉच मैं आपको करके दिखाती हूँ अपने हाथ के ऊपर, ये देखिए ये कुछ ऐसा है, और अपने गाल पे भी दिखाती हूँ, ये देखिए ये मेरे स्किन के साथ अच्छे से मैच हो जाता है। तो जो बाकी है मैं आपको इस ब्रश से, आपको इसके साथ अलग से ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश खरीदने की जरूरत नहीं है, ये इसी की सहायता से बहुत ही ब्रिसल इसके बहुत ही अच्छे हैं, देखिए कितने मोटे ब्रिसल हैं, और ये आप इसको ऐसे करके ये देखिए कुछ इस तरीके से आप पूरे लुक को अपने मैटिफाई कर सकते हैं। मैं अपना हाथ वाला भी आपको ब्लेंड आउट करके दिखाती हूँ, आपको लगेगा ही नहीं कि वहां पे आपने कभी पाउडर लगाया भी था, और एकदम स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए मेरे दोनों हाथ कलर देखिए डिफरेंस, ये कितना आपको, इसे मेरी नसें भी आपको दिख रही होंगी हरी हरी, और ये बिल्कुल स्मूथ हो गया और कलर भी चेंज हो जाता है, देख रहे हैं आप कितना ब्यूटीफुल हो जाता है। मैं आपको क्लोजअप लुक दिखाती हूँ, और पास से मैं आपको इसे लगा के दिखाती हूँ आपको इसे कैसे लगाना है। आपको इसे अपवर्ड सर्कुलर मोशन में यूं घुमा के, ये देखिए आप अपना कंसीलर आई पे लगाने से पहले अपने आईज पे भी लगा सकते हैं, तो आपका आई का जो मेकअप है वो लंबे समय तक टिका रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स एकदम स्मूथ, अगर मैं आपको छू के दिखा सकती तो मैं आपको वो फील कराती, एकदम स्मूथ हो गया, देखिए देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी कि आप कोई भी बीबी क्रीम या फाउंडेशन लगाने के बाद आप जरूर से कोई भी HD हाई डेफिनेशन लूज पाउडर जरूर लगाइए। जो आपका पॉन्ड्स का पाउडर होता है ये बिल्कुल अलग है, और ये बिल्कुल भी सफेद मुंह आपका नहीं कर देगा, आपके स्किन से अच्छे से मैच हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि ये मीडियम टू फेयर स्किन टोन और वेरी फेयर स्किन टोन वालों के लिए बिल्कुल सही है, ये व्हाइट क्लासिक आइवरी शेड में है, और जो लोग डार्क और डस्की कॉम्प्लेक्शन के हैं वो लोग यू डेफिनेटली गो विद बनाना कलर, बनाना पाउडर थोड़ा येलो टिंट में आता है लेकिन आपके स्किन के साथ वो अच्छे से मैच हो जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स मैं आपको बिल्कुल क्लोजअप लुक दिखा रही हूं अपने मुंह का, कैन यू सी गाइस, और ये मेरा हैंड स्वॉच,
आई होप व्यूअर्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन दबाना, अपने दोस्तों को शेयर करना और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका एक रुपये भी नहीं जाता है। बस जैसे आप वीडियो देखना पसंद करते हैं, बस आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन और एक शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप प्लीज इतना कर दीजिएगा, बाकी मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रही हूँ। प्लीज मुझे प्यार दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, मैं रोज नए नए वीडियो आपके पास ले लेके आती रहूंगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, देन बाय गाइस, लव यू, चाओ।